देखिए, कहते हैं कि आप खुद को बदलेंगे तो पूरा जग बदलेगा। हमारे साथ इस वक्त आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जो पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता हैं। यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके अंडर में होती है सर, आपके देख रेख में होता है। और बड़ा खूबसूरत सा है यहाँ इस वक्त जब हम इस पार्क में चल रहे हैं आपके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आकर के 10 मिनट मैंने खुद रिलैक्स किया है और मुझे ऐसा लगा सब बहुत अच्छा है। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भारत 24 का। जी बहुत धन्यवाद जी। प्रयास है कि लोगों को यहाँ से लाभ मिले। पतंजलि की स्थापना ही श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमने इसलिए किया कि अपनी भारतीय संस्कृति, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, उनको आगे रखते हुए किस तरह से हम जनसेवा कर सकते हैं, उसके लिए हमने इस संस्थान की स्थापना की। उसका यहाँ जो आप घूम रहे हैं, ये हमारा औषधि उद्यान है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। देश और दुनिया की तमाम अलग अलग क्षेत्रों से ला कर के यहाँ जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे कि लोग आकर के एक ही स्थान पर अलग अलग पेड़ पौधों को देख सकें, महसूस कर सकें। जी आचार्य जी, जिस तरीके से अब दुनिया बदल रही है, अब से पिछले 10 साल पहले अगर हम चले जाएं तो लोग योग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब क्या बुजुर्ग क्या युवा, हर कोई योग पर केंद्रित है। सबको पता है कि आयुर्वेद और योग किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को बदल रहा है। इवेंचुअली लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। इसका सबसे पहले तो योगदान मैं आपको और बाबा रामदेव को देना चाहूँगी। पूज्य स्वामी जी का प्रयास है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, यदि पूरे जैसे अभी दुनिया की आबादी 8 अरब क्रॉस कर चुकी है, तो 8 अरब लोगों में सबसे ज़्यादा यदि कोई एक शब्द है जो सबसे ज़्यादा लोगों के जुबान में है तो वो योग शब्द है। जिसके बेसिक जो उसका जो मीनिंग है, योग के गहरे अर्थों को लोग बेशक न जानते हों, परंतु योग के सामान्य अर्थ को पूरी दुनिया का सबसे अधिकतम जो आबादी है वो जानती है। तो उस योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया और उस योग को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने का काम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कि एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आज उसकी योग के गौरव को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और जिस तरीके से आयुर्वेद में भारत बदल रहा है खुद को, और कह सकते हैं कि भारत में ही आयुर्वेद की हमेशा वो रही, अब ऐसे में सबसे पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगी आचार्य जी, आपका हिमालय का दौरा बहुत ज़्यादा होता है, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से औषध को और बढ़ाने में, उसमें चेंजेस लाने में, अभी आपका जो दौरा रहा पहले वो कैसा रहा? हिमालय क्षेत्र में हालांकि हम पहले भी बहुत बार गए हैं, परंतु अभी इस बार हम लोग दूसरे प्रयोजन के लिए, यानी हिमालय में हिमालय को खोजने का जो प्रयास था वो इसी बार हमने ऐसा प्रयास किया। और लगभग हम लोगों ने आप ये सोच सकते हैं कि 22,000 की हाइट तक हम लोग गए और जा कर के हमने कुछ ऐसी चोटियाँ जो अनाम थी, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर कभी कोई गया ही नहीं था, हम उन स्थानों पर गए और हमने उन चोटियों को ढूंढा और उनका नामकरण करने का सौभाग्य भी हमको मिला। हमने उनका नाम योग ऋषि, राष्ट्र ऋषि और जो है आयुर्वेद ऋषि के रूप में नामकरण भी किया। पूरा ग्लेशियर का नाम हमने योग, उसको जो है ऋषि ग्लेशियर के रूप में, ऋषि बामक के रूप में हमने उनका नामकरण किया। तो एक नया अनुभव था, क्योंकि ट्रैकिंग का ऐसा कुछ हमने ट्रेनिंग में नहीं लिया था, इतना हमारा बड़ा अनुभव बना था। मुश्किल तो जैसे कहते हैं ना, जब मुश्किलों को भी जब ये कहा जाता है कि हिमालय में चढ़ने जैसे मुश्किलें, तो ज़िंदगी की मुश्किलों को भी हम हिमालय से तुलना करते हैं, तो हिमालय में चढ़ने की मुश्किलों को कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ तुलना की जाए। जी बिल्कुल आचार्य जी, बात रामायण की हो, उसमें भी आयुर्वेद का जिक्र किया गया, जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी ढूंढी जा रही थी तो हनुमान को भेजा गया, रामचंद्र जी ने उनको भेजा, लेकिन आयुर्वेद कहीं ना कहीं बदल गया, लोग भूल गए, लोग मेडिसिन्स पे चले गए, मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आयुर्वेद कैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात का समझ, इस बात के बारे में सोचना भी, और चूंकि मुझे लगता है कि आचार्य जी वक्त बदला है तो आयुर्वेद की समझ तो 100% लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना ने इस समझ को समझाने का बहुत काम किया है कि लोगों को पता चला कि प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों में कितनी ताकत है, कितनी प्रभावशाली है। ताकत और प्रभाव तो पहले भी था, पर एक जो भ्रांत अवधारणाओं ने उस प्रभाव को कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वास को डगमगाने का जो काम किया था
वो पुनः लोगों का विश्वास जागृत हुआ है और हम ऐसा मानते हैं कि अभी लोगों की एक तो आयुर्वेदिक जो अनुसंधान होना चाहिए था, जो रिसर्च का काम होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं भी हुआ। एक कारण तो ये कि आयुर्वेद में काम न होना, दूसरा कारण ये है कि लोगों के द्वारा दैनंदिन जीवन में उसमें कहीं ना कहीं इग्नोर करना। तो अब दोबारा लोग अब उसको मानने लगे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और प्रामाणिकता के साथ आप जहाँ पर खड़े हैं, जो सामने जो पूरी बड़ी बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ही बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारे पास करीबन 250 के लगभग साइंटिस्ट तो इसी बिल्डिंग में यहीं पर ही हैं, यानी कि इतने साइंटिस्ट यहीं पर ही सेवा दे रहे हैं और बाकी सब मिलाकर के हमारे पास 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये कार्य को हम बड़ी प्रामाणिकता के साथ में पूरे विश्व में स्थापित करने का काम कर रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे प्राकृतिक जीवन शैली के साथ साथ में प्राकृतिक औषधियाँ, प्राकृतिक जड़ी बूटियों के से जुड़ने का एक लोगों की अभिरुचि अभी बन रही है। ये देश और दुनिया के लिए मैं समझता हूँ ये शुभ है और शुभ की तरफ अब दुनिया जा रही है, क्योंकि जो केमिकल हैं, जो इस तरह के ड्रग्स हैं, जो केमिकल जन्य जो औषधियाँ हैं, वो तात्कालिक जैसे एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, तात्कालिक जीवन रक्षण के लिए जरूरी हो सकती है, पर जो दीर्घकालिक जो जितना भी जैसे क्रॉनिक और इस तरह के जो चैलेंज केसेज हैं उनके लिए वो कदापि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हैं वो अभी अब काम करना बंद कर रही हैं। नई कंपनियां एंटीबायोटिक के ऊपर ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होता है उनको, तो उससे पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उससे हानि भी होगी, पर आगे आने वाले समय में लोग दूसरी जो प्राकृतिक उपायों को में अपना समाधान ढूंढने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। अच्छा जी, जिस तरीके से हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप और हम खबरें सुनते हैं, हम तो खबरें दिखाते हैं, और 30-35 साल के युवा, 45 साल के, 40 साल के, उनसे नीचे ही लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि क्या प्राकृतिक तौर पर खाना नहीं खाना, योग नहीं करना, क्या वजह आपको क्या लगता है? इसमें बहुत बड़ा जो कारण है, यदि हमने जो अनुभव किया है, जो चिकित्सा के माध्यम से या अनुसंधान के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम जो महसूस करते हैं वो कारण है कि आज जो हमारा आहार है वो शुद्ध नहीं रहा। आहार की जो शुद्धता ना होना, यानी कि जो फर्टिलाइज़र केमिकल या दूसरे इस तरह के जो बहुत हार्मफुल जो चीज़ें खेती में अन्न में डाला जा रहा है, उसका असर जो हवा में है, उसका असर जो पानी में है, उसी के कारण से आज जीवन लोगों के जो जीवन है वह कहीं ना कहीं खतरे में है, पूरी मानवता खतरे में है। नहीं तो जो हृष्ट पुष्ट स्वस्थ आदमी अचानक पता चलता है कि ये ख़त्म हो गया है, ये लोग आजकल एक्सरसाइज करते करते जिम में जा कर के लोग मृत्यु को पा रहे हैं, यानी जहाँ स्वास्थ्य पाना था, जहाँ जा कर के नया जीवन मिलना था, वहाँ जा कर के लोग आज जीवन को खो रहे हैं। कारण है कि जो हमारी जो आहार की शुद्धता है, शुचिता है, या आहार के अंदर जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए जो फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल हैं, या जीवन में भी बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से दवाइयों का प्रयोग है, उनसे हमें बचना चाहिए, अपने दिनचर्याओं को ठीक करना चाहिए, जिससे कि जो जीवन है वो हमारा सुरक्षित हो सके, हमारे परिवारों में से कोई ऐसा असमय में वो काल के मुँह में न चला जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आचार्य जी, अगर मैं पतंजलि के बारे में जानना चाहूँ कि कब से इसकी शुरुआत हुई आपने, स्वामी बाबा रामदेव जी ने किस तरीके से इसको, क्योंकि मुझे लगता है आचार्य जी, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, लोग होते नहीं हैं लेकिन जन जुड़ते हैं और फिर कारवा बनता है। ये बहुत बड़ा कारवा जो बना, इसको बनाने में कितनी मुश्किलें आई, कैसे लोगों तक पहुँचाना? नहीं, हमारा लक्ष्य यही था कि हम लोग अपनी संस्कृति को लेकर के हम उसको लोगों तक, उसकी विधा को, वैज्ञानिकता को हम पहुँचाने की सोचते थे। तो उसकी विधा से लोगों को जितना लाभ मिलने लगा, लोग जुड़ते गए। आज भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र करें, पर जिन लोगों ने ये हमारी परंपराओं से लाभ जिनको मिला है, कभी भी वह इस परंपरा से विमुख नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप यदि परिश्रम करते हैं, आपके पीछे जिन यदि आपके पास जो आपका आश्रय है वह सही तथ्यों पर है, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको उन चीज़ों से कोई विमुख कर सके या उसके लाभ से लोगों को रोक सके। तो आज लोग लाभ पा रहे हैं। देखो, संघर्ष और चुनौतियों तो जीवन का पार्ट है। आपको जितना बड़ा काम करना है उतनी ही चुनौतियां आएंगी। जितना आपको समाज के लिए देना चाहोगे, उतने ही जो समाज के अंदर जो विरोधी तबका है वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम अच्छे कार्यों को छोड़ दें या समाज के हित के कर्तव्यों से मुँह मोड़ करके एक तरफ हो जाएं।
आचार्य जी, पंचकर्म मुझे लग रहा है, चूंकि मैं खुद यंगस्टर हूँ, तो पंचकर्म को लेकर के लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है हमारे इस अवस्था में। पंचकर्म है क्या और कैसे वो हीलिंग में मदद कर रहा है? देखिए, पंचकर्म वस्तुतः आयुर्वेद की शोधन की क्रियाएं हैं। हमको शरीर, देखिए जितना भी शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं वो विजातीय तत्वों के इकट्ठे होने से हैं। जो टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्सिक करने का नाम पंचकर्म है। आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा के साथ साथ में जो पंचकर्म की हमारी जो परंपरा है, एक बहुत सौभाग्यशाली समृद्धशाली परंपरा है। तो हम अपने सर से लेकर के जो पूरे शरीर का जो शोधन करते हैं, जहाँ पर हम अंदर से शुद्धि के साथ साथ में देह की पूरी जो शुद्धि के और शोधन के उपायों को अपनाते हैं, उसको पंचकर्म कहा जाता है। तो पंचकर्म से, जैसे मैंने कहा कि शरीर के शोधन, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों में शरीर शोधन की कोई परंपरा नहीं है, डिटॉक्सिक होने की परंपरा नहीं है। जो टॉक्सिक बढ़ा हुआ है उसको दबाने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं, पर यहाँ पंचकर्म कराते समय दबाने के लिए औषधियाँ नहीं दी जाती हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। और शरीर शुद्ध होने से उसका जो प्रभाव है, उसका व्यक्ति को ज़्यादा उसका लाभ मिलता है और बीमारियों से ज़्यादा उससे मुक्ति हो जाती है। तो चाहे वो स्नेहन स्वेदन मसाज वगैरह से लेकर के, शोधन से वमन से लेकर के, और आपका जो है अंदर के विरेचन वगैरह की सारी क्रियाएँ पंचकर्म के अंतर्गत आती हैं। आचार्य जी, कैंसर अब तक, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं पूरे विश्व भर की बात करूं, तो कैंसर को लाइलाज कहा जाता है, क्या आयुर्वेद में इतनी क्षमता है? देखिए, कोई भी बीमारी है लाइलाज नहीं है, बशर्ते समय रहते उसका पता चल जाए। क्योंकि जब बीमारी एकदम अंतिम स्थिति में पहुंच जाती है, तब आकर के हम सोचे कि जब भी बीमारी का पता चला तभी चिकित्सा से हम ठीक हो जाएंगे, ये हमारी मूर्खता होगी। अंतिम समय में तो जुकाम की बीमारी भी ठीक नहीं होती है, उससे भी आदमी मर जाता है। तो इसीलिए जो है ना, कोई भी बीमारी को जटिल और असाध्य होने से पहले पहले चिकित्सा किया जाए तो साध्य है। और योग आयुर्वेद से बहुत सारे हजारों हजारों रोगियों को हमने ठीक किया है, उनको चिकित्सा कर करके हमने रोग मुक्त किया है। आचार्य जी, आपके जब मैं पतंजलि के अंदर वहाँ गई तो मैंने देखा वहाँ रिसर्च सेंटर है, बड़े यंगस्टर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ झुकाव लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है। जितने भी यंगस्टर्स, अब आज से ही नहीं, पतंजलि में कई समय पहले से लोग एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे पास पूरा विश्वविद्यालय है, हमारे पास पूरा आयुर्वेदिक कॉलेज है, हमारे पास बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। तो एक अलग अलग तरह से हमारे जो नई पीढ़ियाँ हैं, यंगस्टर्स हैं, वहाँ सब तरह से, और हमारे यहाँ साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट के साथ साथ में दुनिया में जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम किया है, रिसर्च किया है, अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। बहुत सारे उसमें साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ बहनों की संख्या भी, बहन साइंटिस्टों की संख्या भी बहुत बड़ी है। और वो लीजिए आप, महिला सशक्तिकरण में इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आचार्य जी, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के विचार मुझे लगता है एक बार फिर से बदल रहे हैं, लेकिन यंगस्टर ड्रग्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ड्रग्स से कैसे, आज जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कैसे दूर करें? पतंजलि में क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें? उसके लिए थोड़ा सा भी देखो, ड्रग्स की तरफ हो चाहे किसी भी तरह के दुर्गुण या दुर्व्यसनों की तरफ, आदमी जाता क्यों है? जाता है वो जब जीवन में अभाव महसूस करने लगता है, जीवन में निराशा महसूस करने लगता है, वो सोचता है कि कहीं जीवन में मेरे को कहीं से तो सही, मुझे कुछ थोड़ी देर के लिए सही कहीं शकुन तो मिले, तो इस चक्कर में गलत चक्करों में पड़ जाता है। तो जो योग का आश्रय लेगा, जो हमारे साथ व्यायाम प्राणायाम करेगा, जो आयुर्वेद का आश्रय लेगा, कभी भी उन बुराइयों में नहीं फंसेगा। तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी, हम आयुर्वेद महाविद्यालय में भी बच्चों को उस तरह की शिक्षा से भी शिक्षित करते हैं, यानी कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उसी के द्वारा ही हम समाज को, राष्ट्र को बचा सकते हैं। यानी बच्चों के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करना और उनके जीवन में क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उनका बोध कराना। यदि हमने ऐसा बोध नहीं कराया तो फिर इन बुराइयों से बच्चे मुश्किल से ही बच पाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो वॉलंटरी सेवाएं देते हैं, वो इसी कार्य में भी लगे हैं। किस तरह से युवा पीढ़ियों को हम अपने संस्कृति परंपराओं से जोड़ें, किस तरह से अपनी युवा पीढ़ियों को हम कहें कि नहीं, तुम बुराइयों से, नशा और वासना से मुक्त होकर के अपनी परंपराओं से और अपने जड़ों से जुड़ो, इसके लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, चूँकि हम आपके इस उद्यान में, बड़ा खूबसूरत सा है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहें कि हमारे दर्शक ने भी, बड़ी आसानी से हमें भी देखने को नहीं मिलता और मुझे भी नहीं मिलता? अभी मैंने देखा आप रुद्राक्ष भी दिखा रहे थे, वो भी मैं आपसे ज़रूर
देखूंगी, क्योंकि शिव में मेरी खुद की बहुत ज़्यादा भक्ति है और रुद्राक्ष मैं खुद रखती हूँ घर पे। जी मैं जैसे आपको बता देता हूँ, आप जहाँ अभी अचानक कोई योजना से तो नहीं, हम अचानक भी आकर के खड़े हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे अब ये जो पेड़ है ये एक बहुत ही हिमालय की चोटी में होने वाला, इसको भोजपत्र कहा जाता है, उसकी ये प्रजाति है, बहुत हाई अल्टीट्यूड में होता है। इसने यहाँ रूप बदल दिया थोड़ा सा, इसका क्लाइमेट की वजह से इसके पत्तों का भी थोड़ा वो लंबे होते हैं, थोड़े से ये बदल गए। इसी तरह से आप देखोगे तो ये इस्तेमाल भी आचार्य जी औषध में करते हैं। जैसे ये जैसे पेड़ है, ये आपने सुना होगा इसको बांज का ओक बोलते हैं, बांज का पेड़ है। बांज में भी आप देखेंगे थोड़ी सी पत्तियों की शक्ल थोड़ी सी बदल गई है, पर यहाँ बांज का इस तरह से पेड़ हो जाना ये अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जो दक्षिण भारत में पाई जाने वाला, ये आप देख रहे हैं ये चंदन का पेड़ है, काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं ये सब चंदन के पेड़ हैं, अच्छे ग्रोथ हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद चंदन के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि ये लाल चंदन भी यहाँ पर, उधर वो बड़ा पेड़ एक लाल चंदन का भी है, कुछ लाल चंदन के पेड़ सूख भी गए जैसे ये थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ आप देख रहे हैं, वो ये वो वाला पाम आपने वैसे तो बहुत होता है इधर पाम ट्री, परंतु ये जो हमने अभी नया लगाया है इधर, ये ऑयल पाम के लिए, जिसका पाम ऑयल लिया जाता है ना, उसके ये पौधे हैं ये जो लगे हुए हैं, ये इसमें ये सारे पाम ऑयल वाले जो ट्री हैं, इसमें जो इसकी सीड में से ऑयल निकाला जाता है जी। इसी तरह से ये रुद्राक्ष जैसे आपने बताया, ये रुद्राक्ष तो इधर उत्तराखंड में मिल जाता है प्रायः, परंतु इसमें एक प्रजाति ऐसी है जो नेपाल में ही होता है और हम लोगों ने यहाँ ला कर के लगाने का प्रयास किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमने एक पौधे का रोपण किया था। अच्छा। वो पौधा भी यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा, ये प्रधानमंत्री के हाथों से रोपा हुआ ये स्पेशल ये रुद्राक्ष है। हाँ ये देखिए आप, इधर प्रधानमंत्री जी का नाम नुम लगा हुआ है इसमें जी। तो ये यहाँ पर ये स्पेशल एक नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है। और ये आचार्य जी कितने वक्त में इसमें वो फलित होता है? ये फल आएंगे, थोड़ा धीरे बढ़ रहा है ये, परंतु फल आने में 5-6 वर्ष में फल आना शुरू हो जाता है इसमें। अच्छा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो आप हिमालय आप जाते हैं कितनी मशक्कत से औषधि ढूंढना, ये भी अपने आप में रिसर्चिंग बहुत डिफिकल्ट होती है आचार्य जी। आचार्य जी, कोरोना के बाद दुनिया विश्व भर में इस वक्त आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, वैश्विक महामारी से जो मंदी आई है, तमाम चीज़ें। बहुत सुंदर, ये आप इसको खा भी सकते हैं और इसको आप सुन करके भी कर सकते हैं, जो मसालों में डलता है, जो भोजन में डलता है, ये देखिए आप इसकी खुशबू भी है, तो ये तेज पत्ता है। तो इस तरह से तमाम जड़ी बूटियां हैं, 800-850 जड़ी बूटियां ये थोड़ी सी जगह पर हमने यहाँ पर लगाया है, तो यही प्रयास है कि योग और आयुर्वेद से लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि कोरोना के बाद जिस तरीके से स्थिति हो गई है, वैश्विक मंदी की भी स्थिति पैदा हो गई और सिर्फ विश्व भर में ये है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे जितने भी लोग थे, घर में बैठे हैं, लोगों की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, और अभी भी यही है कि अब धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम खुलना शुरू हुआ है। ऐसे में उन लोगों को आपकी क्या सलाह होगी, कैसे पतंजलि को फॉलो करें, कैसे योग के सहारे अपनी इस परेशानी से वो निकले? हाँ, तो उसमें प्रतिदिन सुबह आप कम से कम आधा घंटे से एक घंटा योग करें। यदि आप प्रतिदिन आधा घंटे से एक घंटा यदि योग करते हैं, तो योग के माध्यम से जो अंदर के जो अवसाद है, तनाव है, जो चिड़चिड़ापन है, सब समाप्त हो जाता है। तो योग करने से आप समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं, तो अपने शक्तियों का आप उपयोग करने लायक बन जाते हैं। इसके लिए यही उपाय है कि आप प्रतिदिन योग अभ्यास करें और मानसिक अवसाद से बचने का प्रयास करें। और आचार्य जी, अगर मैं बात करूं कि पतंजलि योग पीठ की बात करूं, मुझे याद है मैं खुद भी जब छोटी थी तो मैं बाबा रामदेव जी के सारे वो योग देखते थे, और हम भी छोटे छोटे थे और हम भी बैठ के करते थे, करते करते अब हम बड़े हुए। मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी, उसने काफ़ी यंगस्टर्स के अंदर इस बात को बिठाया है कि मेडिटेशन इज़ द थिंग, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही चाहिए। वो मेडिटेशन से कैसे लोगों को लाभ हो रहा है, और आपके पीठ में भी तो कई लोग हैं अभी? हाँ, तो करते हैं ना, वो मेडिटेशन योग का ही पार्ट है। ध्यान जो है योग के अंतर्गत आने वाला, जैसे महर्षि पतंजलि की यदि हम बात करें, तो जो अष्टांग योग की जो विधा की जा, जो हम कहते हैं ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो ध्यान है, ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं, तो योग का ही अंग है। आप थोड़ी देर बैठ करके अपने आत्मचिंतन करते हैं कि क्या कार्य मुझे करना चाहिए ज़िंदगी में, मैं किधर जा रहा हूँ, तो मेरे जो अंदर की जो ऊर्जा जो बिखरी हुई है चारों तरफ, मैं विचलित हूँ,
उन ऊर्जाओं को एक जगह पर संग्रहित कर करके मैं अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो सकूं। तो यह जो विचार है, जो अपनी कमजोरियों पर विजय पा करके शक्ति से आगे बढ़ने का नाम ही ध्यान है। पतंजलि ने कोरोना के टाइम में जो वो किट आया, मुझे लगता है सबके घर में आज भी होगा, क्योंकि सेफ्टी है, इतना पता है कि इलाज कैसे होगा, बेड्स नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किलें हो रही थी हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो किट जो थी सबके घर पर मौजूद थी। क्या अभी भी उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए? आप कर सकते हैं, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, वो जितने भी तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे अभी लंग्स के ऊपर सर्दी है तो पोल्यूशन की वजह से हमारे फेफड़ों में परेशानी है, या अभी सांस की है, एलर्जी की है, उन सब चीज़ों को भी वो निरापद रूप से लिया जा सकता है। सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, आप एलर्जिक और इस तरह के जितने भी एलर्जी जन्य जो परेशानियां हैं, जो वायरल जन्य जो परेशानियां हैं, उनमें उनका ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ये बहुत सारे रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आचार्य जी, मैं एक और सवाल आखिरी आपसे ये पूछना चाहूँगी, चूँकि पतंजलि को लेकर अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और खबर भी देखी कि 5 जो मेडिसिन हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्या हुआ? क्योंकि बाद में तो वो भी खारिज कर दिया गया कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से हो रहा है? ये एक तरह से मैं कहूँ कि षड्यंत्र भी है जी, षड्यंत्र के साथ में मूर्खताएँ भी हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं जहाँ जिस विभाग में जिस कर्तव्य भाव से उनको काम करना चाहिए, वो लोग अपने कर्तव्यों से जब लोग विमुख हो जाते हैं तो इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। और पतंजलि जैसे संस्था के लिए इस तरह की चीज़ें करना, क्योंकि लोगों का पतंजलि की कोई चीज़ की बात आती है तो सिर्फ पतंजलि के लिए नहीं आती है, पूरी परंपरा के लिए आती है। तो जब कोई चीज़ इतनी प्रामाणिकता के साथ हम लोग करते हैं, बाजार और देश में इतनी सारी दुष्प्रभाव करने वाली, कम प्रभाव वाली, नकली, मिलावट वाली इतनी चीज़ें बिक रही हैं, उनका वहाँ पर ध्यान नहीं है, उनको वो काम करते नहीं है। पतंजलि के पीछे कुछ लोग जो है पूरे, जैसे कहते हैं ना, राशन लेकर के चढ़े रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। हम धन्यवाद करते हैं पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कि वो उन्होंने संज्ञान लेकर के उस भूल को सुधार करने का कार्य किया। पर जिसने इतनी बड़ी कार्य किया है, सदैव स्वामी जी भी कह रहे थे, बोले हमारी 30 साल की तपस्या को एक आदमी की मूर्खता एक क्षण में उसको ख़त्म कर देती है, तो हम उसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं। अभी विधिक राय ली जा रही है, जो भी उपाय हो सकेगा हम अभी एक्शन भी लेंगे उसके ऊपर जी। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को, भारत 24 के दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को योग को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, और सबसे बड़ी बात आयुर्वेद को लेकर कि कैसे ये वक्त बदल रहा है और हमें बदलने की ज़रूरत है, आप बताएं। भारत 24 चैनल के सभी जो दर्शक भाई बहन हैं, उन्हें सबसे निवेदन यह है, देखिए जान है तो जहान है, अपने शरीर को ठीक रख पाएंगे तो हम समाज की सेवा भी कर पाएंगे, परिवार की सेवा भी कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, कम से कम अपने लिए योग अभ्यास, प्राणायाम जरूर करें, प्राकृतिक जीवन जिए, और अपनी संवेदनाओं को काबू में रखते हुए, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रणाम। बहुत 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 शुक्रिया आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ इस वक्त है। और कैसे योग आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आयुर्वेद बदल रहा है, इसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि आपको बदलना है दुनिया, तो सबसे पहले ज़रूरी कि आप खुद को बदलें। और पतंजलि जिस तरीके से देश और दुनिया में इस वक्त ख्याति बटोर रहा है, आचार्य जी मैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।